Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to cover about the crystallographic planes and direction. But before starting this part, I'm giving you a quick recap about the previous lecture, in which you have already understood about the mechanical properties of the material, and then the unit cell. You have already idea about what is unit cell, what are the lattice points, and what is what are the crystal systems. So there are 7 crystal systems jo ki aapne study kiya tha, jaise ki monoclinic, triclinic tha, theek hai. Acha, when you are dealing with the crystalline materials, it is very important to specify some of the particular crystallographic planes ya phir directions ko of any atoms. ठीक है, तो जब आप इसको स्टडी करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो मिलर इंडाइसेस हैं वो क्या हैं. यानी जब आप मटेरियल पर जो है आप जो है लोड अप्लाई करवा रहे हो, तो वो अपने पॉइंट से फिर वो डिफॉर्म कर जाएगा और वो नेक्स्ट सेकंड प्लेन में चला जाएगा. तो जिस प्लेन में वो जा रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो फिर आपको पता होना चाहिए कि प्लेन्स क्या होते हैं और मिलर इंडाइसेस क्या हैं. तो मिलर इंडाइसेस यूज टू एक्सप्रेस लैटिस प्लेन्स और डायरेक्शंस को. अच्छा, ये यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक. फर्स्टली एक मैंने यूनिट सेल यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और उसके हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड. ठीक, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई एंड जेड को फिर नेक्स्ट आपका जो है वो यूनिट जो उसकी यूनिट लेंथ है आपकी या जो भी, उसको हम ए बी एंड सी से डिनोट करेंगे. और जब आपकी इसकी वैल्यूज़ जो भी प्लेन आपका यहाँ पे ड्रॉ होगा, तो जो उसकी वैल्यूज़ आएंगी वो एच के एल से रिप्रेजेंट होंगी. देन नेक्स्ट आपका जो मिलर इंडाइसिस की वैल्यूज़ जो कि सर्टेन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स की आती हैं, यानी जब मटीरियल पर लोड अप्लाई हो रहा है और वो जब इसके जो प्लेन्स हैं वो मूव कर जाएँ, यानी कि अगर ये प्लेन इसका यहाँ बना हुआ तो वो शिफ्ट होकर डिफॉर्मेशन के बाद वो प्लेन्स इसका इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है या नेक्स्ट उसमें शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट प्लेन में शिफ्ट हो जाता है थ्रू द स्लिपिंग इफेक्ट, तो फिर इसको हम स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स में. पहला जो मैथड है, यानी मैथड है जिसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ़ द प्लेन पासिस थ्रू द ओरिजिन, सेलेक्ट एंड इक्विवेलेंट प्लेन और द मूव द ओरिजिन. जब हमने एक यूनिट सेल लिया, तो हम इसमें अब देख रहे हैं कि इसमें हमने एक यूनिट, हमें ओरिजिन पॉइंट जो है वो चूज करना है. लेट सपोज कि आई एम चूजिंग दिस पॉइंट ओरिजिन एज एन ओरिजिन, जो कि ओ है आपका. फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अब आपको इस प्लेन के जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है कि ये कहाँ कहाँ जो किस कॉर्डिनेट पर यह प्लेन कट कर रहा है. तो ये आपका कट इसने किया है एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर एंड जेड एक्सेस पर. तो इसकी जो आपकी इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो 1, 1 एंड 1 है, क्योंकि हमने ये यूनिट सेल 1/1 का कंसिडर किया है या एज्यूम किया है. अगर आप इसको 2/2/2 का भी कंसिडर कर रहे होते, तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज 2, 2, 2 दे रहे होते. ठीक, नेक्स्ट फिर आपने इसकी वैल्यूज पर प्लेस कर दी, और फिर अब आप उसके नेक्स्ट स्टेप में उसका इंटरेस्ट आप उसका रेसिप्रोकल लोगे, तो फिर आप उसको 1/1 करेंगे, तो इसकी 1, 1 एंड 1 वैल्यू आ गई. अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो हमें इसको नेक्स्ट स्टेप यानी कि कन्वर्ट टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, ये पॉइंट आपका ऑप्शनल हो गया. लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे वैल्यू कट कर रहा होता है मिड पे, यानी 1/2 पे ये प्लेन पे कट कोऑर्डिनेट पे कट करता, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1/2 लेते और इसका रेसिप्रोकल जो है वो आपका 2 आ रहा होता, तो फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप था वो आपका सिंप्लीफाई था. यानी कि जब आपकी वैल्यू 2 आती, तो आप इसको डिवाइडेड बाई 2 करवाते, तो फिर आपका यहाँ पर फिर 1 आता उसका वैल्यू, जो कि सिंप्लीफाइड वैल्यू. ठीक है, उसके बाद फिर आप इनको जो आपके जो वैल्यूज आई हैं एच के एल के, उसको आप क्लोज कर देंगे पैरेंथीसिस में. जैसे कि यहाँ पे 1/1/1 की वैल्यूज जो है पैरेंथीसिस में क्लोज हो गई हैं. ये आपका आपने फाइंड आउट कर लिया प्लेन्स के थ्रू एच के एल की वैल्यूज. अगर ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे कट करता, यानी कि एक्स एक्सेस यहाँ अगर ये बैक साइड पर आ रहा, तो ये आपका नेगेटिव एक्सेस होता. ये जेड अगर ऊपर आपका पॉजिटिव है, नीचे अगर आती इसकी वैल्यू, तो आपका नीचे कट करता, तो ये नेगेटिव जेड एक्सेस होता. तो इसके ऊपर हम बार साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपका यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है, एग्जांपल दीविया उन्होंने एक प्लेन ड्रॉ हुआ हुआ है एक्स वाई जेड के जो है यूनिट सेल में. अच्छा, एक कोऑर्डिनेट्स को वो कट कर रहा है, यानी अब ये प्लेन भी आपने एज्यूम कर लिया 1/1 का है. तो अब इसके जो इसने ए बी सी लेंथ है आपकी, वो आप देख लें या इंटरसेप्ट अगर आप देखें एक्स वाई जेड को, तो इसने एक्स को कट किया 1 पे, इसने वाई को कट किया 1 पे, तो हमने यहाँ 1/1 की वैल्यू ले ली. लेकिन अब इस प्लेन ने आपका जेड में कहीं पर कट नहीं किया जेड कोऑर्डिनेट पर, तो हमने यहाँ पर वैल्यू आपकी ले ली इन्फिनिटी की. फिर हमने उसका रेसिप्रोकल उसकी वैल्यू को लिया, तो 1/1 = 1, 1/1 = 1 और 1/ ∞ जो है वो आपकी 0 आती है. अब ये सिंप्लीफाइड आंसर है, तो हमें इसके नेक्स्ट जो ऑप्शनल स्टेप था कि हमें किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है. तो एच के एल की वैल्यूज आपकी आई 1, 1 एंड 0. ठीक है, यानी एच के एंड एल.
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी, ये प्लेन है आपका यूनिट सेल है, उसमें ये प्लेन ड्रॉ हुआ हुआ है, लेकिन अब ये प्लेन जो है वो कट कर रहा है आपके एक्स कोऑर्डिनेट के मिड में, ठीक है, लेकिन वाई को कोऑर्डिनेट को वो कट नहीं कर रहा है, तो आप वाई की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी ले लोगे, क्योंकि ये वाई एक्सेस के पैरेलल है ये प्लेन, और जेड एक्सेस के भी पैरेलल है, तो हमने यहाँ दोनों की वैल्यूज बी और जी यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज जो है इन्फिनिटी ले ली, जबकि एक्स को ये मिड से कट कर रहा है, तो हमने 1/2 ले लिया। अब हमने इसका जब रेसिप्रोकल किया, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी 2 1/(∞), जो भी आपकी वैल्यू आई तो आपकी 0 आई यहाँ पे, और 1/(∞) तो 0, ठीक है। अब इसको आप रिडक्शन अगर आपको करना है, जैसे कि अब आपकी वैल्यू 2 है, अगर आपको उसको रिड्यूस करना है, इस वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, तो आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे इसकी वैल्यूज को, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 0 एंड 0। दैट इज द वैल्यू, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एच एंड के एंड एल। नेक्स्ट आपका फैमिली ऑफ प्लेन्स है, यानी कि अगर जो है ये प्लेन्स आपके क्रिस्टलोग्राफिकली इक्वलेंट हैं, तो इनके APF यानी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वैल्यू जब सबकी सेम आएंगी, चाहे है वो आपका प्लेन पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो कट कर रहा हो किसी भी यूनिट सेल में, या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इनकी वैल्यू सेम आएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे, एग्जांपल है 1, 1 एंड 1। तो अब इसकी वैल्यू जितने भी प्लेन्स हैं इसके, चाहे वो नेगेटिव में हों या पॉजिटिव में हों, या चाहे वो एक वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव डायरेक्शन या नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को कट कर रहे हैं, तो ये आपकी सबकी APF की वैल्यू सिमिलर आएंगी। नेक्स्ट आपके कुछ फैमिली ऑफ प्लेन्स ड्रॉ हुए हुए हैं 1, 1 एंड 0 के। अब वो प्लेन्स आपके जो हैं वो आप फैमिली कराएगी, यानी कि एक आपकी अगर एक्स का यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, तो ये अब अगर नेगेटिव में कट कर रहा है, तो ये आपकी नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अगर ये आपको 1 बार जो कि नेगेटिव से शो होते हैं 1, 1 एंड 0, और इसकी नेगेटिव है, तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, चाहे वो आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं भी चेंज हो जाएँ, आपकी वैल्यूज भी चेंज हो जाए, ये एक ही फैमिली से प्लेन्स जो हैं वो बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट आपके कुछ प्लेन्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ हुए हुए हैं, जो कि यूनिट सेल में हैं। अब ये पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि हो सकता है कि आई विल गिव द वैल्यूज ऑफ HKL एंड यू नीड टू ड्रॉ द प्लेन्स, एंड इन द सेकंड केस के आई विल गिव यू द के मैं एक डायग्राम दे दूँ आपकी प्लेन्स की, और फिर आप उससे HKL की वैल्यूज निकालें। जब आप HKL की वैल्यूज निकालोगे, तो आपको 3 रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे, और अगर आपको इन केस ड्रॉ करना है, तो ये आपके पैरेंथीसिस में वैल्यूज तो गिवन होंगे, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ द यूनिट सेल और उनके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करके आप उस प्लेन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक। दैट्स ऑल फॉर द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू कि आप किस तरीके से प्लेन्स को ड्रॉ करेंगे, और किस तरीके से आप HKL की वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट गिविंग यू द क्विक एग्जांपल्स के इसमें कैसे सॉल्व हो रहा है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूँगी। थैंक यू।